एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स लर्निंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूकेजी क्लास की इंग्लिश वर्कशीट। वर्कशीट का जो सिलसिला है हमने दोबारा स्टार्ट किया है, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था तो अभी हमने दोबारा से वर्कशीट स्टार्ट की है। ये जो वर्कशीट है वो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अपने बच्चे की प्रैक्टिस कराने में ड्यूरिंग समर वैकेशंस। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड कम्प्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं इनसे आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको कम्प्लीट करना है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आपको पिक्चर का नेम लिखना है। ये जो सेंटेंस स्टार्ट है दिस से, यहाँ पर हमें दिस एंड दैट नहीं बताना है, कंपेयर नहीं करना है। यहाँ सिर्फ हमें पिक्चर के अकॉर्डिंग नेम लिखकर सेंटेंस को कम्प्लीट करना है। फर्स्ट जो पिक्चर है वो है जिप की, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे दिस इज अ जिप। तो यहाँ पर स्पेलिंग राइट डाउन करेंगे ZIP, जिप। नेक्स्ट पिक्चर इज वॉच, दिस इज अ वॉच, WATCH, वॉच। नेक्स्ट इज दिस इज अ, ये जो पिक्चर है वो है काइट की, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे नेम काइट, KITE, काइट, दिस इज अ काइट। नेक्स्ट पिक्चर है नेट, दिस इज अ नेट। नेक्स्ट पिक्चर इज फिश, दिस इज अ फिश, FISH, फिश। तो यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे फिश का, सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड एस टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर जो आपको गिवन वर्ड्स दिए हैं उनमें आपको एस एड करना है। आप हमें यहाँ पर सिंगुलर दिया है, सिंगल चीज दी है, इसको हमें चेंज करना है इनटू प्लूरल्स। तो यहाँ पर अगर एक चीज है तो वो सिंगल है और एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है, और प्लूरल वो कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगी, जब तब हम उसमें ऐड करेंगे एस। वन एप्पल, तो यहाँ पर जो एप्पल है वो कितना है, वन है, और यहाँ पर हमें एक से ज्यादा एप्पल चाहिए तो यहाँ पर एस लगा देंगे, APPLES, एप्पल्स। तो यहाँ पर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो एप्पल्स, एस लग गया है तो इसका मतलब एक से ज्यादा है। यहाँ पर वन लिखा हुआ है, वन एप्पल, यहाँ पर एक एप्पल है और यहाँ पर एस लग गया है, एड कर दिया हमने एस, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। तो प्लूरल जब यहाँ पे कभी भी एस लग जाता है तो इसका मतलब चीजें एक से ज्यादा है। यहाँ ये एस शो करता है कि चीजें एक से ज्यादा है। अब ये हो गया है एप्पल्स, यानी कि एक से ज्यादा। वन ट्री, तो ट्री यहाँ पर कितना है, एक है, और यहाँ एस एड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रीज, यानी कि एक से ज्यादा। नेक्स्ट इज बैट, वन बैट, और यहाँ पर आ जाएगा एस लगकर बैट्स, एक से एस लग गया है तो यानी कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा दो भी है, दो और दो से अधिक। नेक्स्ट इज वन हैट, हैट यहाँ पर कितनी है, वन, और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे एस, हैट्स। नेक्स्ट इज वन बर्ड, एस ऐड करेंगे बर्ड्स। वन फिश, तो ये जो फिश है यहाँ पर पीछे देखिए एस एच है, और जब भी पीछे एस एच सी एच होता है तो वहां हम ऐड करेंगे ई एस, FISHES, फिशेस। नेक्स्ट इज वन फ्लावर, एक है तो फ्लावर है और एक से ज्यादा होंगे तो फ्लावर्स, यहां पर ऐड कर देंगे एस। नेक्स्ट इज वन कार, CARS, कार्स, एस लगा दिया है तो प्लूरल्स बन गया है, यानी कि एक से ज्यादा हो गई है अब यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ ए और एन। यहाँ पर हमें यूज करना है ए और एन का। व्हेन वी यूज एन बिफोर वोवल्स, वोवल्स फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनसे पहले हम यूज करेंगे एन, एंड बिफोर कॉन्सोनेंट यूज करेंगे अ। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं, वोवल्स 5 होते हैं। 21 में बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है हमारे कॉन्सोनेंट। इनसे पहले हम यूज करेंगे अ, और बिफोर वोवल यूज करेंगे एन। तो चलिए अकॉर्डिंग टू वर्ड हम चेक करते हैं कि कहाँ ए और यूज होगा, कहाँ एन यूज होगा। फर्स्ट पिक्चर इज फ्लावर, फ्लावर स्टार्ट है कॉन्सोनेंट एफ से, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ फ्लावर। नेक्स्ट इज बुक, बी इज अ कॉन्सोनेंट, अ बुक। नेक्स्ट इज आइसक्रीम, आई, आई इज अ वोवल, एन आइसक्रीम। नेक्स्ट इज एप्पल, ए इज अ वोवल, तो यहाँ यूज करेंगे एन, एन एप्पल। नेक्स्ट पिक्चर इज लैम्प, एल, एल इज अ
कॉन्सोनेंट है एल, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आ लैम्प। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, यू इज अ वोवल, तो यहाँ आएगा एन, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो है हमारी आई, ई, ई इज अ वोवल, एन आई, काइट के कॉन्सोनेंट है तो यहाँ आएगा आ काइट। अंट, ए इज अ वोवल, वी यूज एन बिफोर अंट, एन अंट। नेक्स्ट इज बाउल, बी, बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ आएगा आ बाउल। नेक्स्ट इज ईयर, ई को हमारा जो वोवल है यहाँ आएगा एन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर इज इट, इनमें जो आपको ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनका क्या कलर है वो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है कि किसका कौन सा कलर होता है। फर्स्ट है हमारा एन एलिफेंट इज, जो एलिफेंट होता है वो किस कलर का होता है, एलिफेंट जो है उसका कलर क्या है, ग्रे, एन एलिफेंट इज ग्रे, तो यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे ग्रे। जो भी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं कलर उसको हम टिक करते चलेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ए फ्रॉग इज, फ्रॉग का कलर क्या होता है, फ्रॉग का कलर होता है यहाँ पर, फ्रॉग का जो कलर होता है वो बहुत सारे कलर होते हैं फ्रॉग के, वैसे तो हम ग्रीन भी मानते हैं लेकिन मैंने ग्रे भी फ्रॉग देखे हैं, ब्लैक ब्लैक से भी होते हैं, तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे ग्रे। अ फ्रॉग कलर इज ग्रे। अ कैरेट कलर इज, जो कैरेट है उसका कलर होता है रेड, अ कैरेट कलर इज रेड। नेक्स्ट इज अ पिग कलर, अ पिग इज, पिग कैसा होता है, पिग होता है पिंक, जो पिग का कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक, पी आई एन के पिंक। नेक्स्ट इज अ स्काई इज, स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है, अ स्काई इज ब्लू, बी एल यू ई ब्लू। नेक्स्ट इज अ ब्लैक बोर्ड इज, जो ब्लैक बोर्ड जिसका नाम ही ब्लैक बोर्ड है तो उसका कलर भी क्या होगा, ब्लैक, तो यहाँ पर आएगा बी एल ए सी के ब्लैक, अ ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक। नेक्स्ट इज अ स्नोमैन इज, स्नोमैन कैसा होता है, व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट, स्नोमैन का कलर कैसा होता है, व्हाइट, अ स्नोमैन इज व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ गिवन, यहाँ पर जो आपको दिए हैं इनके आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जो वर्ड्स आपको दिए हैं इन्हीं के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मीन्स सेम साउंड वर्ड्स, सेम लेटर, जो लास्ट के जो लेटर होते हैं वो सेम होते हैं, सेम साउंड उनका होता है, तो यहाँ पर आपको सेम साउंड वाले राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जे यू जी जग, तो यहाँ पर जग का लिख देंगे एम यू जी मग। आर ए टी रैट, एट की आवाज आनी चाहिए पीछे, आर ए टी रैट, एम ए टी मैट। पी आई जी पिग, एफ आई जी फिग, फिग फ्रूट होता है। आइस राइस, सी ए एन कैन, एम ए एन मैन। जे ई टी जेट, पी ई टी पेट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।